हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। एंड आज हम देखने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ का लेक्चर नंबर 39। सो अगर आपने पहले के 1 to 38 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं ऊपर राइट साइड में लिंक दे दूंगा उसका, या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा लिस्ट प्ले लिस्ट का लिंक से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो गो अहेड, जाके चेकआउट करिए सारे लेक्चर्स, देन आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली जो आज का टॉपिक है जैसे शार्पनेस है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तो यू कैन प्रोसीड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बेसिकली एक इमेज ले लेता हूँ एंड हम इसको आज रिसैम्पल नहीं करेंगे बिकॉज हम जो टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं आज वो शार्पनेस हो काफ़ी, उसके लिए हमको पिक्सल्स ज़्यादा चाहिए बिकॉज एकदम कम पिक्सल्स में वो कुछ शार्पनेस करने के लिए उसको मिलेगा नहीं। देन टू आज का थोड़ा सा हमको टाइम ज़्यादा जाएगा उसके लोडिंग में, बट हमको एक शार्प इमेज ही चाहिए इसके लिए। तो शार्प मीन्स एक नॉर्मल इमेज बट हाई पिक्सल्स के साथ जिसको हम शार्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉइस तक तो देख लिया था, शार्पन में हमने डायरेक्शनल शार्पन भी देख लिया था, तो अब हम हाई पास देखते हैं। तो हाई पास बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। अगर आपकी आपका जो इमेज है उसके अंदर डिटेल्स आप लूज कर चुके हैं, जैसे ये डिटेल्स है इसके अंदर तो है काफ़ी हद तक डिटेल्स, बट देन टू अगर आपको ये सच डिटेल्स इंक्रीज करनी है अपनी इमेज को और ज़्यादा शार्प रियलिस्टिक बनाने के लिए, देन बिटमैप में जाएं, शार्पन एंड हाई पास पे क्लिक करें, तो आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक परसेंटेज एंड एक रेडियस। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट करूंगा परसेंटेज 100 रखें एंड रेडियस के अंदर आपको, जैसे मैं रेडियस अगर 3% पे रखा हूँ तो आप देख रहे हैं ये यहाँ की डिटेल्स एंड यहाँ की डिटेल्स पुल कर पा रहा है। अगर मैं थोड़ा रेडियस और बढ़ाऊँ देन उसने उसकी आईज पुल कर ली हैं, और थोड़ा डिटेल्स बढ़ाऊँ तो नोज वगैरह की डिटेल्स आ गई हैं। तो मैं अभी के लिए मोस्टली इसको फुल कर दूंगा अराउंड 20 एंड हम इसको करेंगे ओके, बिकॉज इसका जो कंट्रोलिंग हम कहीं बाकी मल्टीप्लाई मोड से कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं एंड कंट्रोल जेड करेंगे एंड हम इसके ऊपर अपना ये हाई पास पेस्ट कर देंगे। तो हमने बेसिकली एक मैप बनाया है जिसको मैप को बोलते हैं हाई पास। तो अब ट्रांसपेरेंसी टूल में आए एंड नॉर्मल की जगह इसको मल्टीप्लाई से जस्ट इमेज डार्क हो जाएगा एंड डिटेल्स तो आ जाएंगे बट इमेज भी डार्क हो जाएगा। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई मोड नहीं यूज़ करेंगे, जो मोड यूज़ करेंगे वो है ओवरले। तो ओवरले पे क्लिक करें तो ओवरले क्या करेगा, खाली जो मिडल वैल्यूज़ हैं वही उसको हटा के जो डार्क वैल्यूज़ हैं उसी को लेगा। तो जैसे देख रहे हैं अगर मैं इसकी आईज के पास रखूँ इसको एंड खाली हम हाई पास डिलीट कर दें तो काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस में फ़र्क है, काफ़ी अच्छा सा इमेज आपका शार्प हो गया, काफ़ी क्लीनली जहाँ जहाँ वो जैसे नोज़ के पास है जहाँ जहाँ उसने वो चीज़ पुल की थी वो चीज़ को उसने ईजिली शार्प कर दिया। तो ये टूल आप हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, ये काम में आएगी आपको। अगर वैसे बेसिकली ये आप फोटोशॉप में भी ये कर सकते हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, बट देन टू अगर आप इसके बाद आपके अंदर आपके पास इसके अंदर कुछ वेक्टर्स या फिर कोई बैकग्राउंड में कोई एलिमेंट वगैरह ऐड करना है तो आप कोरल ड्रॉ में ही सारा काम इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट शार्पन में हमारे पास है नॉर्मल शार्पन। तो ये भी बेसिकली शार्प करता है बट मैं इसका शार्पन यूज़ नहीं करता बिकॉज ये शार्पनेस की एक लिमिट है। अगर मैं जाऊँ शार्पन में शार्पन दूँ दें देख रहे हैं वो शार्पनेस के नाम पे क्या करता है, जो उसको डार्क पिक्सल मिलते हैं उनके अराउंड एक वाइट लाइन से क्रिएट करता है, देन उसकी वजह से वो इमेज लगता है शार्प है बट वो एक फेक शार्पनेस है। देख रहे हैं अगर मैं ओके कर दूं देन आपको आप इसको एक नॉर्मली शार्पनेस मिलेगी बट ये एक फेक शार्पनेस है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको कम यूज़ करें, इससे इसकी जगह आप हाई पास यूज़ करके उसको इमेज के अंदर आप अपने डेप्थ वगैरह जो भी है वो ला सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं शार्पनिंग के पास, आपके पास अनशार्पन मार्क्स हैं जो थोड़ा सा बेटर है शार्पनेस से, नॉर्मल शार्पनेस से, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है, थ्रेशोल्ड वगैरह का ऑप्शन है, बट देन टू मैं वही प्रेफर करता हूँ शार्पनेस के अंदर। तो बेसिकली
तो नेक्स्ट हम जाते हैं टेक्सचर्स के अंदर। तो हमने अभी अपना शार्पनर देख लिया, अभी टेक्सचर के अंदर सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, इससे आपको एक अच्छा सा इफेक्ट मिलेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्सचर्स, तो हमने शार्पनेस पर काम कर लिया, तब टेक्सचर के लिए हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं वरना फिर ये ज़्यादा लैग होने लगेगा। तो 200 dpi कर लेते हैं इसको, नहीं 150, 3 MB के अराउंड रहेगा इमेज, तो चलेगा। अभी देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो टेक्सचर के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, उसके अंदर एक अच्छा सा आपको एक रफनेस ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे वरना वो दिख रहे हैं काफ़ी फिल कर देगा उसको। तो हम इसको एकदम लाइट पे रखेंगे एंड साइज़ उसको यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा रहना चाहिए। एक अच्छा सा अनयूनिफॉर्म टेक्सचर टाइप मिलेगा आपको इससे। ये इसका एवरेज डिसाइड करता है आप कितना एवरेज रहेगा इसका, 20 कर सकते हैं जो भी आपके अपने हिसाब से। यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन, जैसे ये शेडो है, देन यहाँ पर ऊपर करके आप शेडो ऊपर ला सकते हैं, देन बेसिकली आप इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट लगता है मुझे, ये भी काफ़ी डिटेल और थोड़ा यूनिक टाइप लगता है, तो कभी कभी यूज़ होता है ये। देन इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ जाते हैं। जो टेक्सचर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट इफेक्ट है वो है एलिफेंट स्किन। तो एलिफेंट स्किन तो आपको मालूम है एलिफेंट स्किन कैसी होती है, तो ये बेसिकली आपकी इमेज में ट्राई करता है कि एक एलिफेंट स्किन क्रिएट करे। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं अभी अगर इसको जूम करूँ और देन हम इसको देखें टेक्सचर एलिफेंट स्किन, देन यहाँ पर उसका एज कितना रहेगा वो भी है, अगर जितना कम रहेगा उतना थोड़ा क्लीन रहेगा उसका स्किन। एंड यहाँ से आप उसको रेंडेमाइज पे क्लिक करेंगे तो फिर जो स्पॉट यहाँ आ रहा है वो कहीं और जाएगा, बेसिकली वो रेंडेमाइज हो जाएगा। यहाँ से आप उसका एज डिसाइड कर नहीं सकते। इसके अंदर आपके पास एक और ऑप्शन है जो है कलर का। तो बेसिकली ये जो डार्क ब्लैक कलर है उसकी जगह आप कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कर देंगे तो ये जो ब्लैक है ये रेड हो जाएगा। माइट बी कहीं अगर आप कुछ वायरस टाइप का कोई बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, तो एक डार्क बैकग्राउंड में अगर आप इस तरीके का कोई चीज़ यूज़ करें तो ईजीली वैसा टाइप का कुछ इफेक्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको नॉर्मली यूज़ करके देखते हैं, या फिर ब्लू कलर हो गया, काफ़ी अच्छा है ये भी, बट देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है। वाइट करके देखते हैं एक बार, थोड़ा लोडिंग का टाइम ले रहा है बिकॉज थोड़ा हैवी इफेक्ट है, बट आई गेस ये ब्लैक पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। तो ब्लैक पे रखें, रैंडमाइज पे क्लिक करके आप देख लें अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट पार्ट पे ऐसा कोई स्पॉट आ रहा है तो वो उससे फिक्स हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट है, इसका कॉपी बना के रख लेते हैं हम यहाँ पर। ओप्स, इसका कॉपी बना के यहाँ रख लेते हैं, कंट्रोल जेड मारेंगे एंड पेस्ट करके, तो हमारे पास दोनों चीज़ की कॉपी हो जाएगी एक एक। तो नेक्स्ट देखते हैं टेक्सचर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा है। जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये वाला। इससे मैं काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें। ये इफेक्ट को हम नॉर्मली हाई पास की तरह मैं यूज़ करता हूँ, बट ये काफ़ी हद तक आपके इमेज में से डिटेल पुल कर लेता है। तो इसको फुल पे रखें ताकि पूरे इमेज को वो कैलकुलेट करें, एंड यहाँ से आप उसको जितना डेप्थ देना चाहते हैं वहाँ से आप उतना उसका डेप्थ दे सकते हैं। मैं इसका डेप्थ भी फुल रखूँगा बिकॉज हम इसकी जो टोटल चीज़ें हैं वो हम उसका जो न्यू लेयर रहेगा उसके अंदर से एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने एक बार ये कर लिया, मैं इसका कॉपी बनाऊँगा देन कंट्रोल जेड एंड पेस्ट। तो एक बार जब ये आ गया तो जैसा हमने उसमें यूज़ किया था इसको करेंगे हम ओवरले। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके अंदर तो थोड़ा काफ़ी एजिंग टाइप इसका स्किन मिला है हमको। बट अभी हम क्या करते हैं, वापस इसको हम एक्किंग करेंगे, थोड़ा सा इसका स्किन थोड़ा स्मूथ रखेंगे बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा था, जैसे यहाँ से कम करके डेप्थ कम करके, नहीं डेप्थ को तो फुली रखना पड़ेगा, डेप्थ यहाँ से डिटेल को फुल रखना पड़ेगा, डेप्थ हम थोड़ा सा एग्जिस्ट कर लेते हैं। ओके
तो इसके बाद कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल जेड मारें एंड पेस्ट, मल्टीप्लाई सॉरी ओवरले। देन इसके अंदर मैं काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट यूज़ करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर हैं एंड मुझे थोड़ा इसके अंदर पीरियड ट्रांसफॉर्म दिखाना है, तो अगर मैं खाली इसको यहाँ से ऐसे उल्टा ऐसा करते हैं, तो आप देख रहे हैं काफ़ी इजीली हमने कितना अच्छा सा इफेक्ट बनाया कि एक स्किन के अंदर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है किसी डिटेल्स में उसके। तो वो चीज़ अगर आपको दिखानी है तो आप यहाँ से वो इजीली दिखा सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। टिल देन आप हमारा चैनल जाके चेकआउट कर लीजिए, सिनेमा 4D, फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स चालू है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।